गौवंश ले जाते हुए बजरंग दल ने पकड़ा पिकअप वाहन। रात में होती है गौवंश की तस्करी। उज्जैन 13 से 14 नवंबर के दरमियान रात्रि में बजरंग दल को सूचना मिली थी कि गौवंश से भरा अवैध वाहन इंदौर रोड की ओर आ रहा है। सूचना के आधार पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पिंटू कौशल के नेतृत्व में रात 3 बजे के लगभग इंदौर रोड स्थित निनौरा टोल गेट पर पिकअप वाहन MP 37 GA 1944 को घेराबंदी कर पकड़ा। सूचना मिलते ही नानाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को थाने पर ले जाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए धारा 459 गौवंश पशु अधिनियम व 11D पशु कूरता अधिनियम में आरोपी एजाज पिता आजाद निवासी चंदन नगर उज्जैन व धर्मेंद्र पिता हेमराज निवासी बापू नगर इंदौर को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर गौवंशों को इंदौर रोड स्थित गौशाला में छोड़ा गया। लगातार बढ़ रही गौवंशी की तस्करी, पहले पेट्रोलिंग होती है फिर होता है वाहन पास। जिस रोड पर गौवंश से भरा वाहन निकलना होता है उससे पहले लगातार तस्करों द्वारा की जाती है पेट्रोलिंग, उसके बाद निकाला जाता है वाहन को आगे। उज्जैन से रिपोर्टर राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। भैया ये गौवंश की जो गाड़ियां पकड़ी किस तरह का क्या मामला? जो गौवंश की गाड़ी पकड़ी रात को, इसकी सूचना बजरंग दल को मिली जिसकी घेराबंदी करी गई। सूचना मिलने पर यहाँ से रात को 12:30 बजे इनकी घेराबंदी लाल गेट पर करी गई। लाल गेट पर घेराबंदी करके इसकी सूचना प्रशासन कंट्रोल रूम पर करी गई, जिसके कारण प्रशासन द्वारा एक्टिव में आने से और संगठन द्वारा एक्टिव में आने से गौवंश की गाड़ी लेट हो गई, जिसके कारण उनकी गाड़ी को आने में 3 बज गई। कुल मिला के ऐसी 4 गाड़ियाँ थी जो हाईवे टू इंदौर जा रही थी हाट में जी, तो जिसमें से एक गाड़ी बोलेरो पिकअप जिसके गाड़ी के पीछे हमने अपनी गाड़ी लगा के उसको टोल टैक्स पे रुका के वहाँ से गौवंश को गाड़ी को पकड़ाया, जिसमें गौवंश आठ गए, उसमें गौवंश निकली है जिसमें बेल और केड़े भी है। ये इसमें एजाज करके है, विराट नगर का रहने वाला है जी। और इसमें जो ड्राइवर है उसका नाम अभी आपको अभी आया नहीं है सामने, उसका नाम पूछा नहीं था पर कायमी हो गई है। सुबह नानाखेड़ा थाने पे इसकी कायमी कराई गई है। क्या नाम है आपका? पिंटू कौशल बजेंगर रोड। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि डेली यहाँ पे ऐसा परिवहन चल रहा है जो कि गौवंश को सिटी के अंदर से क्रॉस कर रही गाड़ी, जो कि प्रशासन को क्या इस विषय के बारे में मालूम नहीं है। अगर नहीं मालूम है तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो संज्ञान में ले कि ऐसे गौवंश की गाड़ियों को, जो गौवंश गाड़ियाँ ले जा रहे हैं उनको रास्ता किया जाए, ऐसे दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रात्रि में आपने जो गौवंश पकड़े हैं, क्या मामला है पूरा? मोबाइल की सूचना पर रात में गश्त के दौरान एक पिकअप पकड़ी गई है जी, उसमें 7 केड़े पाए गए थे जो परिवहन किए जा रहे थे, उनको मुक्त कराया गया है। उसमें एक आरोपी जो चालक है वो एजाज नाम का है, पाट का रहने वाला है, और एक अन्य आरोपी धर्मेंद्र है वो चिवरगंज क्षेत्र के बापू नगर का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार किया गया जी।